हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिंकी ब्यूटी फॉर यू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ईद मेकअप लुक, जो कि मैंने बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ ये इजी एंड सिंपल मेकअप लुक क्रिएट किया है। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है तो ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एज ए प्राइमर एलोवेरा जेल यूज़ किया है, क्योंकि एलोवेरा जेल सबके घर में होता है और ये नेचुरल भी है। अगर आप लोगों के पास नेचुरल एलोवेरा जेल नहीं है तो आप मार्केट से बाय कर सकते हो। फिर मैं फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ ये लैक्मी इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। फिर मैं इसी को ही एज ए कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ। फिर मैं फाउंडेशन को सेट करने के लिए ये पॉन्स का पाउडर ले रही हूँ। फिर मैं गाइस अपनी एक ही आई शेडो पैलेट से ये आई शेडो हाईलाइटिंग कॉन्ट्रोरिंग ब्लश एंड आईब्रोज को फिल कर लूँगी। ये है द जैकलिन हिल आई शेडो पैलेट। इसमें आपको 35 डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे और कलर्स बहुत सुंदर और पिगमेंटेड है। इसमें आपको कुछ मैट कलर्स मिलेंगे और कुछ शिमरी मिलेंगे। तो अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो ये आई शेडो पैलेट ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, इन मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है वीडियो में देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्किन को मॉइस्चराइज कर लूँगी। हमेशा मेकअप करने से पहले अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र। फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्राइमर। प्राइमर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। प्राइमर पोर्स को ब्लर आउट कर देता है, साथ ही स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है, जिससे फाउंडेशन एकदम फ्लॉलेस दिखती है। और प्राइमर फाउंडेशन के जो भी केमिकल्स होते हैं उसे स्किन के अंदर जाने में प्रोटेक्ट करता है, प्लस आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। फिर मैंने लिया है लैक्मी का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। आपके पास जो भी फाउंडेशन है उसे आप यूज़ कर सकते हो। और हमेशा फाउंडेशन ऐसा लीजिए जो आपके स्किन टोन से मैच करे। फिर मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं इसी फाउंडेशन को एज ए कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आई एरिया में, नोज़ में, फॉरहेड में एंड चिन पे। फिर मैं ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं फाउंडेशन को सेट करने के लिए पॉन्स पाउडर लूँगी। एक ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी। फिर मैं जैकलिन हिल आई शेडो पैलेट से ये ब्राउन शेड लेकर एक एंगुलर ब्रश से अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। फिर मैं इसी आई शेडो पैलेट से मस्टर्ड बेज शेड लेके एज ए ट्रांजिशन कलर अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैं इससे थोड़ा डार्क कलर लेके दोनों आई शेडो को ब्लेंड कर लूँगी।
फिर मैं यूज़ करूँगी लैक्मे 925 आईलाइनर। फिर मैं सेम आईशैडो पैलेट से ब्राउन शेड लेके कंटूरिंग कर लूँगी। फिर मैं इसी पैलेट से एक लाइट शिमरी शेड लेके एज ए हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। सो ये है मेरी फाइनल लुक। अगर आप लोगों को ये सिंपल एंड इजी मेकअप लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।